यहाँ पर हम लोग अबाकस बनाने के लिए राउंड राउंड गोले बना रहे हैं, जिससे मेरे होते हैं। स्कूल खुलने वाला है परसों और मुझे बहुत डर लग रहा है, नहीं क्योंकि मेरे एग्जाम शुरू हो जाएंगे और हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, गोले बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठ के गोले बना रहे हैं। ये देखो मैं इसको ऐसे छेद बना रही हूँ और फिर उसको बड़ा कर रही हूँ ऐसे घुमा घुमा के। देखिए इतना बड़ा छेद हो गया, इसके अंदर से अब धागा चला जाना चाहिए। जामुन लग रहा है? जामुन? हाँ हम लोग के घर पे पड़े हुए हैं जामुन। बिल्कुल जामुन लग रहा है यार। तो हो गए हमारे सारे जो बनाने थे गोले बीड्स टाइप के, और यहाँ पर मैंने हम लोगों ने स्क्रैप बुक बनाना शुरू की है। प्लैनेट वीनस पे मैं लिखने वाली हूँ और सिर्फ एक ही दिन बचा है, कल का पूरा दिन हो सकता है मेरा बिजी जाए। आदाब और बच्चों को मेरा प्यार, आप सबका मेरे चैनल पर खुश आमदीद और सबका स्वागत। तो अभी जो आपने वीडियो देखा वो कल रात का था, और उससे पहले मैंने स्क्रैप बुक शुरू कर दी थी, फिर बहुत रात हो गई थी जब हम लोग ने वो सर्कल्स बनाए हैं, और आज हम सब ने खाना भी खा लिया है और अब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और आगे देखिए क्या होता है। मैं तो बहुत काम करने वाली हूँ आज, क्योंकि कल मेरा स्कूल है और मेरा आगे ज़्यादा काम नहीं हुए। स्क्रैप बुक में हो सकता है बहुत मजा आए। वीनस और अर्थ या तो सिस्टर्स है या तो ट्विन है, क्योंकि वीनस और अर्थ की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है और वो दोनों आस पास भी रहते हैं। जिसकी मर्क्यूरी पहले होता है सन के एकदम पास, उसके बाद वीनस और उसके बाद अर्थ होता है। भी है। But I mean, आप लोगों को बहुत सारे फन फैक्ट मिले सुनने को अभी। हम लोग अबाकस को कंप्लीट कर रहे हैं। अब जो छोटे गोले बनाए थे हम लोग ने, उसके बीच में से ऊन का सफ़ेद ऊन का गोला लिया था, वो मैं उनके बीच में से निकाल ली थी, और ये पहला बैच था मुझे करना था, इसका नंबर था 3256। तो मैंने 3 ऑरेंज कलर के लिए थे, 2 येलो कलर के और 5 पिंक, 6 ग्रीन। तो ये सब मैं धागे में फंसा रही थी, पहले मैंने सबको फंसा लिए थे। इस बीच छोटी भी आ गई, मुझसे कहने लगी मम्मा मुझको भी करना है, मैं भी करूँगी। तो उसने मुझसे पहले धागा लेने की कोशिश करी, मैंने कहा नहीं धागे से नहीं करना है, आप जाओ कुछ और लेके आइए। तो बहरहाल वो अपने पहले क्ले लेके आए, मुझे बड़े बड़े चंक्स पकड़ा दिए कि मम्मा इनके गोले बनाइए, तो मैंने उनके गोले बनाए। फिर उसके बाद उसने ख़ुद अपना दिमाग लड़ाया और टूथपिक लेके आई, और टूथपिक के बीच में से उसने सारे अपने गोले लगाना शुरू किए, और उसका तो मेरे से अच्छा लग रहा था, हम लोग ने जो बनाया था उस बहुत अच्छा लग रहा था, अभी आप देखेंगे। तो बहरहाल यहाँ पर मैं फंसा रही हूँ, पिंक हो गया है, अब ग्रीन होना है। और दूसरा नंबर था जो दिया गया था वो था 1089, और वो बड़ी बेटी बैठ के कर रही है, तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर सारे मैंने धागे में फंसा लिए, उसके बाद मैं धागे काट लूँगी, और फिर ये मेरे पास स्टिक्स रखी हुई थी जो आप साइड में देख सकते हैं, टंग डिप्रेसर्स थी मेरे पास बहुत दिन से रखी हुई हैं, तो कोई काम नहीं था उनका, वही लगा दिया, उसको धागे को उसी में बांध दिया, और फिर उसको मजबूत करने के लिए फेविकॉल लगा दी। और यहाँ पर देखिए बड़ी बेटी अपने काउंट कर रही है और सही से बना रही है। वैसे तो ये हॉलीडे होमवर्क था, इसकी कुछ खास इंपॉर्टेंस तो होती नहीं है, मगर मुझे शौक हो रहा था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे कैसे बनाना है, और आज मुझे टाइम मिला था तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं भाई बैठ के बना लो, एक यादगार होती कि हाँ हमने कभी ये भी बनाया था। और ये सब करते रहना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें टाइम टू टाइम, अपनी खुशी के लिए, अपने लिए। और मुझे तो शौक़ अपनी बहन की वजह से हुआ, क्योंकि वो इतने अच्छे अच्छे क्राफ्ट बनाती थी, जब भी मेरा कोई प्रोजेक्ट होता था वो मेरी हेल्प करती थी। मुझे याद है स्कूल में हम लोगों को एक दफ़ा एक घर बनाना था, तो मैंने तो ऐसे ही पेंट कर दिया था घर को, और इतना ख़राब लग रहा था, फिर उन्होंने कायदे से वो चीज़ें लाई, सामान लाई, सब ला के फिर अच्छे से उसको बहुत अच्छा घर बनाया था, वो कार्डबोर्ड का बनाया था मगर बहुत अच्छा बनाया था, और एक ही दिन में बना दिया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मुझे भी होता था कि काश मैं भी ऐसे कर सकती, काश मैं भी ऐसे कर पाती, मैं तो आज भी उनके लेवल तक नहीं कर पाती हूँ,
मगर अपनी तरफ से मैं ये छोटी छोटी चीज़ें कोशिश करती रहती हूँ कि बना लूँ। और यहाँ पर मैंने स्टिक्स लगा दी हैं और पीछे देखिए छोटी ने कितने अच्छे अच्छे गोले बनाए अपने। तो ये सारे धागे मैंने स्टिक पे लगा दिए हैं और फिर फेविकॉल से उनको अच्छे से चिपका दिया है। और ये था दूसरा बैच जो बड़ी बेटी ने बनाया था, इसका नंबर था 1089। तो यहाँ पर मैं इनको अब चिपका रही हूँ और हमारा अबाकस तैयार हो गया। फिर मैंने इनको सूखने के लिए रख दिया था, उसके बाद मैंने उस पर TH 1000, H 100, and 10s and 1s लिख दिया था, टी और ओ। यहाँ पर मेरी चाय रखी है, चाय पी लूँ, मैं ब्रेड थी दो तीन खा गई छुट्टी। और देख लेते हैं दूसरे वाला दरवाजा, ये हो गया कि नहीं। सुन जाएगा ना, तो ये हो गया मेरे एक अबाकस कंप्लीट, 1000, 100s, 10s, 1s। अल्हम्दुलिल्लाह, सही किया ना मैंने। हाँ, यहाँ पर ये अपना लास्ट पेज कर रही हूँ हॉलीडे होमवर्क का, और मेरे अभी थोड़ा सा काम और बाकी है स्क्रैप बुक में, सब कुछ लिख गया है अभी, और इसको फाइनल करना है। और मेरा अबाकस बन गया है, वो पीछे वाले कमरे में अभी थोड़ी देर सूखने के लिए रखा हुआ है बस। तो फिर अब हम लोग अपनी स्क्रैप बुक कम्प्लीट करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे। लीट सोचा नहीं था कितने अच्छे सा बन जाएगा, बन गया। मैं तो बस दो पेजेस में लिखवा के ख़त्म करवाने वाली थी, मगर थोड़ा सा आइडिया लगाया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा बन गया। तो आज का ये छोटा सा ब्लॉग है, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, मा सलामा। पीछे से बड़ी बेटी अल्लाह हाफिज़ बाय बोल रही हैं। और ये कितने बजे रात में है, 10 बजे रात में लेके बैठी हैं अकेले, चलिए उतरिए नीचे। और ये सब समेटना है मुझको, सब फैला दिया है वो अच्छे से, चलिए समेटती हूँ फिर आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह।